हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है होमोनिम्स। क्लास फाइव में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे ओलंपियाड दे रहे हैं या देने वाले हैं उनके लिए होमोनिम, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स, ये तीन जो टॉपिक है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए आज हम पर्टिकुलर एक ही टॉपिक होमोनिम डिस्कस करेंगे। हर एक क्लास में हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर होमोनिम्स? क्या होता है ये होमोनिम? होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड साउंड मीन्स प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। मतलब ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है और सुनने में भी सेम होता है, मतलब जो प्रोनंसिएशन हम कर रहे हैं वो सेम होता है पर मतलब बिल्कुल अलग होता है। कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि कुछ होमोनिम ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट रहते हैं और प्रोनंसिएशन सेम रहती है। होमोनिम्स विथ डिफरेंट स्पेलिंग बट द सेम प्रोनंसिएशन, इसमें आता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ, BLUE ब्लू और BLEW ब्लू। ब्लू एक कलर होता है ना, रंग होता है, नीला रंग, और ब्लू मतलब हवा भरना या फुलाना किसी चीज़ को। बलून में हवा भरते हैं ना, उसको ब्लू एयर इनटू द बलून्स कहते हैं हम, है ना। तो दोनों सुनने में सेम है पर स्पेलिंग अलग अलग है। अभी हम सबसे पहले सेम स्पेलिंग वाले होमोनिम कवर करेंगे जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके बाद आपको होमोग्राफ, होमोफोन ये सब भी पढ़ना है। तो अगर हम एक साथ सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले सेम स्पेलिंग वाले होमोनिम पढ़ते हैं और उसके बाद डिफरेंट स्पेलिंग वाले होमोनिम पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि तभी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि BAT बैट। बैट क्या होता है? चमगादड़, एक ब्लैक कलर का बर्ड होता है। और दूसरा बैट क्या होता है? क्रिकेट का बैट होता है। नेल, 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 NAIL, NAIL, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है पर एक नेल का मतलब होता है नाखून। हम कहते हैं ना उसकी नाखून बहुत सुंदर है, हर नेल्स आर वेरी ब्यूटिफुल। और दूसरा नेल का मतलब होता है कील, जो कीला हम टोकते हैं ना वो कील होती है। फेयर, फेयर, एक फेयर का मतलब क्या होता है? एक फेयर का मतलब होता है साफ रंग। और दूसरा फेयर का मतलब क्या होता है? मेला, मेला वगैरह में हम जाते हैं ना वो होता है। सूट, सूट, SUIT, SUIT, ही वियर्स अ लवली सूट, हम कहते हैं ना, तो वो जो पहना होता है वो सूट है। और दूसरा सूट है व्हाट टाइम वुड सूट यू, तुम्हें कौन सा टाइम जज रहा है, कौन सा समय तुम्हें जज रहा है, कन्वीनियंट है तुम्हारे हिसाब से। एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस अ प्लेस टू लिव, एड्रेस फॉर्मल स्पीच, रहने की जगह और स्पीच। चलिए अब यहाँ तक के तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, अब मैं आपको कुछ होमोनिम ऐसे भी बताऊंगी जो कि तीन तीन हैं, मतलब जैसे मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग सेम है, तीन है, कोई चार है, स्पेलिंग सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। जैसे BOW, बो, बो, एक बो का मीनिंग होता है द फ्रंट ऑफ अ शिप, शिप के सामने का हिस्सा। और दूसरा बो है जैसे कि टाइड विथ रिबन, रिबन को टाई करके जो बो बनाते हैं वो है। और एक बो है, बो एरो पता है ना, तीर धनुष है ना, तो वो वाला बो और एक बो होता है जो कि शूट्स एरोज हम कह सकते हैं। और एक बो होता है टू एक्सप्रेस बाय बेंडिंग योर हेड एंड बॉडी, मतलब हम झुक करके किसी को प्रणाम करते हैं ना तो वो झुकना बो हेड। तो बो के चार चार मीनिंग देख लिया आपने। सी फेयर भी तीन होते हैं, जैसे एक फेयर होता है आपका लुक, लुक कैसा है, कैसे दिखने में। दूसरा फेयर मैंने बताया था ना, मेला है, फेयर टाउन, फेयर कंट्री फेयर,
ऐसे कोई मेला आया उसे हम फेयर कहते हैं, और एक फेयर होता है ईमानदार आदमी, मतलब ऑनेस्ट पर्सन, जैसे कहते हैं ना अ वेरी फेयर पर्सन टू डू बिजनेस विद, बहुत ईमानदार है उसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग सेम है, देखिए सबकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनंसिएशन सेम है, होमोनिम है ना, याद रखना स्पेलिंग प्रोनंसिएशन सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। आपके ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, पहले से तैयारी रखेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी और ये आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल उन होमोनिम के देखते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है बट साउंड सेम होता है और मीनिंग भी अलग अलग होती है, मतलब सुनने में एक जैसे लगता मीनिंग अलग अलग होती है, स्पेलिंग भी अलग होती है। ठीक है, जैसे हो गया पेयर, PAIR पेयर मतलब जोड़ा, टू सिमिलर थिंग्स है ना, और एक PEAR होता है, इसे भी हम पेयर कहते हैं, ये एक फ्रूट होता है। वेट, वेट एक WEIGHT वेट है, मतलब भार, द क्वांटिटी और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एक WAIT वेट है, मीन्स टू डिले एन एक्शन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रोक के रखना किसी काम को। आइडल, आइडल IDOL आइडल होता है और दूसरा IDLE आइडल होता है। IDOL मीन्स मूर्ति, एन इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गॉड। IDLE मीन्स लेजी, निठल्ला, अवॉइडिंग वर्क। नेक्स्ट पॉज, पॉज POWS पॉज और PAUSE पॉज। POWS मतलब पैर होता है ना, एन एनिमल्स फुट हैविंग क्लॉज एंड पैड्स। PAUSE क्या होता है, इंटरप्ट एक्शन, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकावट, इंटरप्ट एक्शन और स्पीच ब्रीफली थोड़ी देर। रूट, रूट ROOT रूट होता है, ROUTE रूट होता है। एक ROOT रूट मतलब क्या होता है, जड़, अ पार्ट ऑफ ए प्लांट विच अटैचेस इट टू द ग्राउंड, है ना, ये तो पता है। अब ROUTE रूट मतलब क्या होता है, कोई रास्ता जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है, अ वे और कोर्स टेकन इन गेटिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन, मतलब आपको ध्यान में रखना है सिर्फ कि स्पेलिंग भले अलग है पर सुनने में एक जैसा है, मीनिंग अलग अलग है। आई, आई आई होता है, EYEI होता है। आई मतलब होता है मैं और EYEI मतलब आँख। स्टील, स्टील STEAL और STEEL। STEAL होता है मतलब चोरी करना, टू स्टील समथिंग विदाउट परमिशन, किसी से बिना परमिशन लिए उसकी चीज़ चोरी करना। और स्टील STEEL क्या होता है, अ हार्ड स्ट्रॉन्ग ग्रे और ब्लूइश ग्रे एलॉय ऑफ आयरन। यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और इंग्लिश ग्रामर के और भी टॉपिक्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उसके बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।